अय्यूब की पुस्तक अध्याय 29। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 29। अय्यूब ने और भी अपनी गुढ़ बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियारा पाकर मैं अंधेरे में चलता था। वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर प्रकट होती थी। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे लड़के बाले मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था, तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते और पुरनिये उठ खड़े हो जाते थे। हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते और हाथ से मुंह मूंदे रहते थे। प्रधान लोग चुप रहते थे और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वह मुझे धन्य कहता था और जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय साक्षी देता था, क्योंकि मैं दोहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। जो नाश होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे पहने रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था और जो मेरी पहचान का न था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछ-पाछ करके जान लेता था। मैं कुटिल मनुष्यों की दाढ़े तोड़ डालता था और उनका शिकार उनके मुंह से छीनकर बचा लेता था। तब मैं सोचता था कि मेरे दिन बालू के किनकी के समान अनगिनत होंगे और अपने ही बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा। मेरी जड़ जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी। मेरी महिमा जो कि त्यों बनी रहेगी और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया होता जाएगा। लोग मेरी ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे। जब मैं बोल चुकता था तब वे और कुछ न बोलते थे। मेरी बातें उन पर मेह की नाई बरसा करती थी। जैसे लोग बरसात की वैसे ही मेरी भी बाट देखते थे और जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए वैसे ही वे मुंह पसारे रहते थे। जब उनको कुछ आशा न रहती तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ न सकता था। मैं उनका मार्ग चुन लेता और उनमें मुख्य ठहरकर बैठा करता था। और जैसा सेना में राजा वा विलाप करने वालों के बीच शांतिदाता, वैसा ही मैं रहता था।